કેમ છો? બધા મજામાં ભાઈ? લોગ આજ કી ક્રાઇમ સ્ટોરી બોલે તો સસ્પેન્સ, લવ, ધોકા ઓર દોસ્તી સે ભરપૂર હૈ। ઇસ લાજવાબ કહાની કા કિરદાર થા શેરા કુબ્બણ। તો ફાલતુ કા ટાઈમ વેસ્ટ કિયે બિના સુનાતે હૈ રાપચિક કહાની। મ્યુઝિક બજાઓ રે। પંજાબ મેં એક પિંડ હૈ કુબ્બણ। ઉસ પિંડ કી ગલિયો સે ગુજરોગે તો થોડી દૂર એક માયુસ, લાચાર ઓર હારા હુઆ ઘર મિલેગા। ઇસી ઘર કે ભીતર એક બૂઢા બાપ બેઠેલા, जिसकी आंखें आज भी इस बात पे यकीन ना करती कि मेरा बेटा गैंगस्टर अपराधी कैसे बन गया। क्योंकि 10 अगस्त 1988 में जन्मे अपने बेटे गुर शहीद सिंह को बचपन से ही पिता जर्नल सिंह और माता राजप्रीत कौर ने अपनी दोनों बेटियों से ज्यादा बेटे को सर आंखों पे बिठा के रखा था। उनका एक ही सपना था, अपना जोरा स्पोर्ट की दुनिया में डंका बजाएगा। समय के साथ गुर शहीद भी बड़ा हो गया, हैमर थ्रो का रापचिक खिलाड़ी बना, क्योंकि छोकरे की हार्ट बीट में जेरो वाली हुंकार थी। 15 साल की उम्र आते आते उसने कई हैमर थ्रो के मेडल जीत लिए ले। आगे चल के स्टेट लेवल की कई कंपटीशन भी जीती। अब साल 2008 में माँ बाप ने बड़ी उम्मीद के साथ भेजा चंडीगढ़ की गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, ताकि अपना चोरा नेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन कर सके। गुर सईद ने भी जान डाल दी। अब उसकी मेहनत का इम्तिहान था, जलंधर स्पीड फंड अकेडमी में ट्रायल देना था। मगर ट्रायल से पहले करीब 4 बजे 10-15 पंटर लोग आए ले, जिसने गुर शहीद को इतना पीटा कि वह जख्मी हो गए। बस इसी कांड ने गुर शहीद को अब के पंजाब का सबसे बड़ा गुंडा बोले तो जेरा कुब्बन बना डाला। छोरा जख्मी था, ट्रायल ना दे सका। दूसरे दिन जेरा के दोस्त चंडीगढ़ से आ गए ले। उन छोकरे लोग को बिना साबुन पानी का धो डाला जिसने जेरा को पीटा था। अब शेरा दोस्त लोग का एहसानमंद हो गया और उन छपरी लोग की गैंग को ज्वाइन कर ली। उधर अक्की फैमिली ख्वाब देख रही ली कि अपना छोरा नेशनल लेवल पर अक्के पंजाब का सिर ऊंचा करेगा। मगर उनको थोड़ी ना पता था अपना लोंडा पंजाब का सिर ऊंचा नहीं कर रहेला, बल्कि दूसरों का सिर धड़ से अलग कर रहेला। देखते ही देखते शेरा खुब्बन हाईवे डकैती में आ घुसेला। लूट, डकैती, मर्डर उसके लिए आम बात हो गई। वही शेरदिल बंदा था तो उस वक्त के पंजाब के कई छोकरे शेरा की गैंग में शामिल भी हो गए। सेरा और उसकी टोली ने अक्खे पंजाब में पूरब से लेकर पश्चिम तक कई बड़े बड़े कांड कर डाले। जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो जेल भेज दिया। वहां सेटिंग हुए ली रोकी फजिलका से। अब रोकी का साथ मिला तो सेरा जेल से बाहर आता, आने के बाद कांड कर जेल चला जाता, फिर से जमानत मिल जाती, ये सिलसिला जारी रहा। इसी बीच सेरा की मुलाकात हुए ली नमदिक कौर से। दोनों प्यार के समंदर में डूब गए। सेरा कुब्बन अपनी गर्लफ्रेंड को IPS बनाना चाहता था, क्योंकि सरदार था, प्यार भी तो दिल से निभाना था। यह सब चल रहा था तभी किसी अनबन के चलते शेरा कुब्बन ने हैप्पी देवरा को सरेआम ठोक दिया। इधर से एक समय के जिगरी रोकी और शेरा के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई, क्योंकि हैप्पी देवरा और रोकी फाजिलका की यारी भी पुरानी थी। रोकी के बाद जयपाल भुल्लर ने शेरा का साथ दिया, क्योंकि दोनों ही कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे। एक दिन सितंबर 2012 को पंजाब पुलिस को टिप्स मिली कि शेरा कुब्बन अपने पंडर लोग के साथ भटिंडा में बैठे ला। पुलिस का एक काफिला उधर जा पहुंचा और पंजाब के इस शेरा कुब्बन का हत्या ही खल्लास कर डाला। मगर भाई लोग, शेरा कुब्बन के पिता का कहना है कि मेरे लाडले का एनकाउंटर नहीं हुआ, उसे जानबूझकर मारा गया है, और उसको मारने की टिप्स दी थी रोकी फाजिलका ने। खैर जो भी हो, सच्चाई तो रोकी और शेरा जाने, क्योंकि आज दोनों ही दुनिया में ना रहे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।